खबरों में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के नए बस अड्डे पर कॉलेज छात्रा पर हमला करने की आपको बता दें कि घटना पर सीएम सुक्खू ने दुख जताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा है कि पालमपुर में काफी दुखद घटना हुई है जिस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कांगड़ा के एसपी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और लड़की के इलाज का जो भी खर्च होगा वे प्रदेश सरकार ही उठाएगी। पालमपुर घटना से खुद भी दुखी हूँ और जान पहचान होने के बाद किस तरह उस व्यक्ति ने अपने द्राड़ लेकर गया और उस हमारी प्यारी बेटी पर उसने हमला किया। मैं अभी बात ही कर रहा था, एसपी को भी मैंने दिशा निर्देश दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करना मकसद नहीं है लेकिन ये देखना पड़ना कि इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, उस सोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि हम इस दृष्टि से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और उस बेटी के प्रति जो भी स्वास्थ्य के संबंधित खर्चा होगा उसका सरकार। तो वहीं उपचुनावों में कांग्रेस के बागियों को बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने को लेकर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि बागी विधायक की जगह उन्हें बिके हुए बोलो जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। बागियों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता ने उनको कांग्रेस पार्टी से विधायक चुनकर विधानसभा भेजा था लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब जनता इन बागियों का फैसला जरूर करेगी। सीएम ने यह भी कहा है कि सबूत और तथ्य हमारे पास हैं, तभी विधायकों की खरीद फरोख्त होने की बात कह रहे हैं। जांच पूरी होने पर बीजेपी के धनबल का सारा खेल जो है वो जनता के सामने आ जाएगा। में सफल हो गया, कर्नाटका में सफल हो गया और दिल्ली में भी केजरीवाल को बेचारे को सफल करने की कोशिश कर रहे लेकिन यहाँ उनका सफल नहीं हुआ। फिर प्रदेश की बाउंड्री में अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि चोरी की है तो डर तो लगता ही है, किसने रोका था। फिर कभी ऋषिकेश घूमते रहे, कभी गुड़गांव गए, कभी पंचकूला गए और एक महीने बाद आए कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वो भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जिंदा रख के कर रहे हैं, वो 14 महीने पहले तो उनको गालियां देकर वो चुनाव जीतना चाह रहे, अब उनको कह रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पैसा है, अब सुर्खी बिंदी के साथ का रेट ज़्यादा बढ़ा देना ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। जब ये पैसे बांटेंगे तो इनसे पैसे भी लेना और पैसे कम देंगे तो बोलना ज़्यादा दें, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार की ये बात करते हैं। और ये भी कहना है इनको कि जब जनता के वोट से जुड़कर जो सरकार बनती है और जिसमें हम मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना, उनकी इतना आदर सम्मान किया लेकिन इन्होंने उस आदर सम्मान की कदर नहीं की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो धर्मशाला के बीके हुए विधायक फोन करते थे, मैं उनका हर कार्य करता था और उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसी पार्टी के आधार पर उनका जो रुतबा बना, आज उस पार्टी को आप बेचकर अपना ईमान बेचकर चले गए हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, जो पैसे के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं उनको सबक सिखाने की है और जो जनता के वोट की कदर नहीं करते उनको सबक सिखाने की है। इस लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की सीट चुराई है इसका मुकाबला सरकारें नहीं कर सकती, इसका मुकाबला आम जनता करती है, जनता का बल करता है। जब चुनाव आएगा तो 6 विधानसभा सीटों में और 4 लोकसभा जो सीटें हैं एक राज्यसभा की जगह अगर आप 4 लोकसभा की सीटें जिताकर भेजोगे तो ही सही मायने में जनता का तो ही सही मायने में लोकतंत्र बचेगा।